वो आज हम एक और ये सेशन हमारा रहेगा एक बजे तक यानी लंच टाइम तक तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए अच्छा रहे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इसमें हैंड्स ऑन भी करें तो अभी सेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसमें एक हमारी प्रेजेंटेशन है तो मुझे बस आप एक सेकंड दीजिएगा स्क्रीन आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन को ये स्माइली इज विजिबल ओके थैंक यू शशि थैंक यू मुझे पूरी उम्मीद है कि आप, इस टर्म से आप वाकिफ होंगे, होंगे डेवलप की जाती है वो भी आप जानते होंगे तो जैसे कि फर्स्ट सेशन में मैम ने बताया था जीता मैम ने आ, कि जब आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है अपने इंस्ट्रक्शंस को जो है वो नोट करते हैं किस तरीके से आप जो बच्चे कोई भी कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं तो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स का आप ध्यान रखते हैं इसी तरह जब हम ग्राफिक्स की अगर हम बात करें और ग्राफिक्स हम बनाते हैं, ग्राफिक्स करते हैं, तो हमें ये चीज का ध्यान रखना हो, होता है कि सबसे पहले तो ग्राफिक हम बना क्यों रहे हैं किस चीज के लिए हमें जरूरत है क्या हमारा टारगेट ग्रुप है क्या हमारा टॉपिक है और अपने ग्राफिक से हम क्या कन्वे करना चाहते हैं क्योंकि ग्राफिक्स का पर्पज कोई भी इंफॉर्मेशन में को तो अगर हम ग्राफिकली कन्वर्ट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि लार्ज इंफॉर्मेशन को आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने यानी कि एक डिजाइन uh, की फॉर्म में एक अट्रैक्टिव स्टाइल में अट्रैक्टिव मैनर में आप uh, एक बड़ी इंफॉर्मेशन को अपने ऑडियंस के सामने जो है आप रखे रख रहे हैं ताकि आप जो उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो उन तक इजीली पहुंच सके और एक इंटरेस्टिंग स्टाइल में एक अट्रैक्टिव स्टाइल में उन तक पहुंच सके ये ग्राफिक्स का मतलब होता है तो जब भी हम ग्राफिक डिजाइन करते हैं तब भी हमें स्टेप बाय स्टेप के हमें क्या दिखाना है उसमें कलर्स हमको कैसे यूज करने हैं हमको उसमें इमेजेस अगर यूज करनी है तो वो कैसे यूज करनी है अगर अपने ग्राफिक को अगर हम इंफोग्राफिक में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी उसमें अगर हमको इंफॉर्मेशन यूज करें तो उस इंफॉर्मेशन की लैंग्वेज क्या है उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से लिख रहे हैं ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है तो हमारा जो पहला सेशन था इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग का उसका पर्पज यही था से पहले रखने के ग्राफिक रिसोर्सेज से रखने से पहले कि आप सब लोग ये समझ लें कि स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग क्या होती है जो कि आपने बहुत अच्छी तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ समझ भी ली होगी क्योंकि मैम का सेशन जो था काफी इंट्रेक्टिव था

अच्छा तो मैं एक सेकेंड मैं इयरफोन लगा लेती तो हूँ बस एक सेकेंड अभी मेरी आवाज आपको साफ आ रही है ब्रेक तो नहीं हो रही है अच्छा ठीक है तो हम बात कर रहे थे कि हम एज अ टीचर हम अपने क्लास में किस किस तरह के ग्राफिक्स जो है हम यूज करते हैं हम चार्ट का यूज करते हैं आ, अपने किसी भी सब्जेक्ट में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं चार्ट एक एग्जाम्पल है ग्राफिक्स का मैप्स है डायग्राम्स है फोटोग्राफ्स है इमेज इमेजेस है ड्राइंग्स या पेंटिंग्स हैं और इन सब का अलग अलग पर्पज होगा जब भी आप चार्ट दिखाएंगे तो आप चार्ट में एक बहुत बड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है छोटे से चार्ट में जो है आप लेकर आएंगे और अपनी क्लास के सामने यानी क्लास में जो है वो चार्ट को पेस्ट कर देंगे अः सपोज के वो दिखाना चाह रहे हैं uh, साइकिल आप दिखाना चाह रहे हैं या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आप अगर दिखाना चाह रहे हैं तो uh, नॉर्मली हम क्या करते हैं एज अ साइंस टीचर अपनी क्लास में जो है उसका चार्ट एक बना के लगा देते हैं ताकि बच्चे जो है उसे देखें बार बार और उस प्रोसेस को जो है वो समझ जाए या एज अ टीचिंग एड ऑल्सो वी यूज चार्ट इन आर टीचर लर्निंग प्रोसेस जब हम टीचिंग uh, एड की तरह भी ये सारी जो ग्राफिक्स के एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं उनको आप यूज uh, कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक ये भी हमने डिस्कस किया है कि क्यों हम ग्राफिकली क्यों रखते हैं ऑडियंस के सामने किसी भी इंफॉर्मेशन को एक तो जब हम पिक्चर्स की फॉर्म में जब किसी चीज को देखते हैं तो वो ज़्यादा देर तक हमारे मेमोरी में रहता है uh, जैसे कि मैं लगा मेमोरी फॉर पिक्चर्स देन द कॉरेस्पॉन्डेंस कॉरस्पोंडिंग वर्ड्स यानी कि वर्ड्स जो होते हैं uh, हमको कुछ कुछ बातें तो हमेशा याद रह जाती हैं लेकिन कुछ टाइम uh, कुछ बातें जो हैं कुछ वर्ड जो हैं हमें थोड़े टाइम के लिए हमारी मेमोरी में रहते हैं बट अगर हम उसी चीज़ को पिक्चर की फॉर्म में बच्चों के सामने रखते हैं तो वो बच्चे जो है लॉन्ग टाइम के लिए उसको मेमोराइज कर सकते हैं और उनकी मेमोरी में कहीं ना कहीं वो रहते हैं यही पर्पज़ होता है कि क्लासरूम में जब हम चार्ट्स लगाते हैं या पिक्चर्स लगाते हैं डायग्राम्स लगाते हैं के बच्चे उनको देखें और वो उनके मेमोरी में कहीं ना कहीं वो रहे सो आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक्स मैं इसको एक एक को नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये हमें मालूम है कि हम ग्राफिक्स की यूज करते हैं बट बीच में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस जरूर करूंगी हाँ आप लोग बीच में ये चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स लिख भी रहे दैट इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड थ्रू ग्राफिक्स यस राइट देन लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड ये एक देखिए यह हमने यहाँ पे ग्राफिकली कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करने की कोशिश की है जैसे अगर जब ये पेंडेमिक था तब बहुत ज्यादा इंफोसिस किया जाता था कि आप लोग मास्क लगा के रखें और टाइम टू टाइम अपना हैंड वॉश करते रहे हाथों की सफाई रखें सैनिटाइज़ अपने हाथ को रखें तो ये इंस्ट्रक्शन अगर आप इसको इंस्ट्रक्शनल फॉर्म में यानी कि अगर आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में किसी चार्ट पे लगाएंगे और चिपका देंगे दीवारों पे या सड़कों पे तो आते जाते जो राहगीर होते हैं जो गुजरते हैं रास्तों से उनके पास ये टाइम होता है कि वहाँ रुके और एक एक वर्ड को जो है वो पढ़े तो इसी इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स की मदद के साथ जो है दिखाने की कोशिश की गई है जैसे आप देख रहे होंगे डूज में जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन कलर में जो एक ये इन्फोग्राफिक है इसमें लिखा है हाउ टू अ नॉन मेडिकल मास्क सेफली तो इसमें डूज में में कुछ पिक्चर्स की फॉर्म में जो है दिखाया गया है कि आ, मास्क को किस तरीके से पहना जाएगा आपको हैंड अः सैनिटाइजेशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और उसके नीचे नीचे जो है इंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं तो अगर गुजरते हुए रास्ता गुजरते हुए वही इस पर नजर पड़ती है तो हम समझ जाते हैं कि क्या प्रॉपर स्टाइल है मास्क को पहनना है हाथों को साफ रखना है टाइम टू टाइम Uh, ताकि हम इस बीमारी से बचें क्योंकि ये पैंडेमिक के टाइम पे इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की जाती थी और वैसे नॉर्मली भी हाइजीन का uh, सबको ध्यान रखना ही चाहिए फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे uh, एक हमने डेटा दिखाने की कोशिश की है राइट हैंड साइड पे uh, आप देखेंगे कोर्सेज इसमें हम दिखा रहे हैं कि कितने एकेडमिक ईयर में कितने कोर्सेज जो है कवर किए गए कितना सर्टिफिकेशन जो हुआ ये एक हमने ऐसे उठा लिया है हमने क्रिएट नहीं किया है सिर्फ इसलिए कि आपको हम समझा सके कि किस तरीके से इंफोग्राफिक जो है वो बनाए जाते हैं तो ये दो हजार सत्रह से अट्ठारह तक का कोई एक डेटा था जो हमने यहाँ पे लिया है और आप देखेंगे इसको एक डायग्राम की फॉर्म में कैसे शो किया गया है इसी तरीके से और भी आप यहाँ पे देखेंगे इंफोग्राफिक्स है कि आर्टिकल्स का है तो ये बड़ी बड़ी इन्फो, इसको दिखाने का पर्पज़ यही है कि आप आप एक लार्ज इंफॉर्मेशन को क्रिस्प uh, स्टाइल में अट्रैक्टिव स्टाइल में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने अच्छा मैं ये एक कमेंट पढ़ रही थी इसलिए मैं थोड़ा चुप हो गई थी जो मैं समझ नहीं पाई फिर एक और टर्म है इन्फोग्राफिक्स जो हमने बात करी थी अभी इन्फोग्राफिक्स आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा एंड नॉलेज जो कि अभी हम कह रहे थे कि इन्फोग्राफिक्स में हम क्या दिखाते हैं इन्फोग्राफिक्स में हम दिखाते हैं ग्राफिक्स प्लस इन्फॉर्मेशन यानी ग्राफिक विजुअल होगा जिसमें कि आप इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं आप उसमें डेटा भी दिखा सकते हैं या नॉलेज शेयरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप इन्फोग्राफिक के थ्रू कर सकते हैं आपने कल सुशुभना मैम के सेशन में लूमी के थ्रू इन्फोग्राफिक डिजाइन करना डेवलप करना सीखा होगा मैम ने बताया था कि लूमी के थ्रू एच फाइव पी जो पहले एच फाइव पी यूज किया जाता था उसके थ्रू इन्फोग्राफिक कैसे डेवलप कर सकते हैं बट देर आर अदर वेज ऑल्सो अदर आई सी टी टूल्स ऑल्सो थ्रू विच यू कैन डेवलप द इन्फोग्राफिक्स ऐसे और भी आईसीटी टूल्स हैं जिनकी मदद से आप इन्फोग्राफिक्स डेवलप कर सकते हैं सुषमला मैम ने जो बताया था उसमें आपने इंटरेक्टिव रिसोर्सेज डेवलप करना सीखा था बट उसमें क्या था पहले इन्फोग्राफिक बनाया था फिर उनको इन्ट्राक्टिव बना इंट्रैक्टिव बनाया था so these, ये है आपका एजुकेशनल यूज कैसे हम इंफोग्राफिक्स को या ग्राफिक को एजुकेशन में यूज कर सकते हैं इट कैन बी यूज एज विजुअल एड एज डिस्कशन स्टार्टर इट कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक और गिव एन ओवर व्यू ऑफ दिजुअलाइजिंग डेटा कुछ फीचर्स है इन्फोग्राफिक की जैसे कि ये बहुत कॉम्प्रेहेंसिव होती है कॉम्प्रहेंसिव का मतलब एक इन्फोग्राफिक में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शो कर सकते हैं विजुअली अपीलिंग होती है और रिटेंटिव होती है यानी कि इन्फोग्राफिक की हेल्प से अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं इन्फोग्राफिक uh, में आप कह सकते हैं कि जैसे मैम ने एग्जाम्पल दिया था अजीता मैम ने कॉन्सेप्ट मैप का या माइंड मैप का तो अगर हम माइंड मैप्स की हेल्प से बच्चों को पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज करके अगर हम पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट जो है उनको एक लंबे समय तक जो है वो याद रख सकते हैं फिर एक और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया कि किस किस तरीके से जो है इन्फोग्राफिक वो क्रिएट किए जा सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन अगर आपको दिखाना है किसी भी चीज में तो आप इंफोग्राफिक बना सकते हैं आप यहाँ पे कुछ लार्ज डेटा शो कर रहे हैं जैसे यहाँ पे एक ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप दिखाना चाह रहे हैं प्रेजेंट करना चाह रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है जब बहुत सारी रिपोर्ट कभी बनती है बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनती है मिनिस्ट्री लेवल पे तो क्या होता है कि वो रिपोर्ट जो होती है दो चार पेज की नहीं होती वो पूरी किताब बनती है तो जब हम इस तरह की बड़े लेवल की रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तब हम लार्ज डेटा को ग्राफिकल स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं या आप भी जब आप लोगों ने बहुत से लोगों ने जो है पेपर पब्लिकेशन अपने कर रखे होंगे कुछ उन्होंने किताबें भी लिख रखी होंगी यकन तो जब आपने पेपर प्रेजेंटेशन किया होगा तो आपका जो सैंपल होगा वो उसका जो डेटा आपने कलेक्ट किया होगा उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने अपने पेपर में उसे ग्राफिकल स्टाइल में दिखाया होगा उससे ग्राफ्स बनाए होंगे और ग्राफ के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं टाइप्स होते हैं तो सिमिलरली उसी उसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि डेमोग्राफिक डेटा को जो है इन्फोग्राफिक में शो किया गया है और ये पूरा डेटा जो सिमट के एक पेज के अंदर आ गया है इसी तरीके से आप अगला देखेंगे फोटोसिंथेसिस का एक इन्फोग्राफिक है नीचे आप देखेंगे टाइम लाइन में एक बहुत लंबा सा कोई प्रोसेस दिखाया गया है कि नाइनटीन से लेकर टू तक क्या सफर रहा तो टाइम अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी इन्फोग्राफिक की हेल्प से आप दिखा सकते हैं आवाज बहुत कम है मेरी आवाज कम आ रही है शशि हलो शशि मैं, मैं अच्छा मेरी आवाज बहुत कम आ रही है नहीं मैं। क्लियर आ रही है नहीं तो नहीं मैं। मैंने अभी ईयरफोन का इस्तेमाल किया है आप लोग के पास भी अगर है तो ईयरफोन uh, का यूज कर लीजिए और मैं बहुत बहुत तेज बात कर रही हूँ बहुत ऊँची आवाज में बात कर रही हूँ ठीक है थैंक यू कंफर्मेशन आ गया मुझे चैट बॉक्स में थैंक यू फिर एक और एग्जांपल है यहाँ पे टाइमलाइन का कि इंफोग्राफिक अगर आप टाइमलाइन की बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बना सकते हैं तो ये सिंपल एक छोटी क्लास के लिए अगर हम उनको आ, ये प्लान बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से हम टाइम में दिखा सकते हैं ये कुछ टूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किन की मदद से आप इन्फोग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं इन्फोग्राफिक इज इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स तो अगर आप इन्फोग्राफिक डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ टूल हैं और ये इन सारे टूलों से आप सब लोग फेमिलियर होंगे अगर नहीं है किसी भी टूल से तो आप यहाँ बॉक्स में लिख सकते हैं और जो जो टूल आप यूज करते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग में या अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसी जो आपको अच्छा लगता हो यूज़ करना हो आपने कभी यूज़ भी किया हो इंफोग्राफिक के लिए तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी जैसे मुझे जवाब मिल रहे हैं कैनवा है पिक्सार्ट है हाँ कैनवा तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग क्योंकि ये बहुत अच्छा है बहुत इंट्रैक्टिव और इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं कैनवा में हाँ जी कैनवा है ईजीली है ईजिली में बहुत सारे फीचर्स अभी पेड हो गए हैं कैनवा uh, में काफ़ी फीचर्स फ्री है बस कुछ जो है वो पेड है तो इसलिए कैनवा जो है मोस्ट फेवरेबल टूल है सबके बीच में पिक्सलै वेरी गुड देन ये हमने यहाँ पे जो बताया है कैनवा इजिली वेंगेज पिक्टो चार्ट वाइज मी इन्फोग्राम विजुअलाइज डॉट मी बट ये जो मैंने छः साठ टूल बताए इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स है ये तो कुछों के नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं क्योंकि आप सबने कैनवा यूज़ किया है और मैं यहाँ पे कैनवा नहीं सिखा रही <laughs> क्योंकि कैनवा हम लोग पहले सेशन में कर चुके हैं तो यहाँ मैं कैनवा का बस एक स्क्रीन शॉट यहाँ पे मैंने पेस्ट करा है ताकि अगर किसी ने कैनवा यूज नहीं किया है तो वो ये पहचान ले कि कैनवा किस तरीके से उसका होम पेज नजर आता है बट मैं आपको होमपेज में जाकर भी दिखाऊंगी कि कैनवा कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं तो ये कैनवा का होम पेज है और कैनवा की ख़ासियत ये है कि इसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आ, फ्री हैं तो आ, ना कि टीचर्स बल्कि स्टूडेंट्स ही बच्चे भी आज के टाइम में कैनवा को बहुत यूज़ कर सकते करते हैं इसमें आप पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें आप अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल कोई नोट्स हैं वो बना सकते हैं आप वर्कशीट्स इसमें बना सकते हैं आप इसमें कोई सोशल मीडिया के लिए छोटी रील है वो बना सकते हैं सोशल मीडिया के लिए जो बैनर है वो आप बना सकते हैं मैगजीन्स के लिए जो हम कंटेंट uh, तैयार करते हैं वो आप कर सकते हैं यानी कि नंबर 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 ऑफ ऑप्शन तो बहुत यूजर फ्रेंडली है कैनवा uh, को यूज करना फिर उसके बाद हाँ ये किसी भी आईसीटी टूल को अगर आप अच्छे से यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप उसमें लॉग इन कर लें या तो आप उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में लॉग इन करें या फिर आप अपनी जी मेल से अपनी फेसबुक आई से या कोई भी और ई मेल है आपकी उस ईमेल आईडी से आप लॉग इन करें तो उसके ज़्यादा फीचर्स को आप यूज़ कर पाएंगे तो ये एक ऑप्शन है लॉग इन करने का फिर लॉग इन करने के बाद आप देख पाएंगे कि आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे अभी मैंने स्क्रीनशॉट शॉट यहाँ पर पेस्ट कर रखे हैं होम पेज पे जाते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन जैसे मैं आप आपको बता रही थी वो सब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हैं आप बना फिर ये और उसके इन डिटेल में मैं आपको सीधा कैनवा पे जाके बताऊंगी कि कैसे करते हैं जिन्होंने यूज नहीं किया उनके लिए आ, ये कुछ एलिमेंट्स है जिनको जो इस एप्लीकेशन uh, में इन बिल्ट है इन एलिमेंट्स की हेल्प से आप इंफोग्राफिक्स uh, प्रिपेयर कर सकते हैं वीडियोस इसमें ऐड कर सकते हैं आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं फिर एक और मेथड है मेथड uh, नहीं है एक्चुअली uh, आप सब लोग ने जीमेल तो यूज किया ही होगा जीमेल में आपने गूगल ड्राइव भी यूज किया होगा अगर किया है तो यस लिख दीजिए प्लीज अगर नहीं लिख करा है तो आप नो लिख सकते हैं क्योंकि मैं आपको ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी कि हम आ, हमने गूगल ड्राइव तो यूज़ किया है क्या हमने गूगल के सारे फीचर्स एक्सप्लोर करे कभी क्योंकि गूगल ड्राइव जब आप ओपन करते हैं तो उसमें कोई नौ दस ग्यारह बारह ऐसे फीचर्स आते हैं उसके हाँ जी गूगल ड्राइव में टीम वर्क कर सकते हैं जी जी कर सकते हैं कैनवा मोबाइल ऐप है जी हाँ मोबाइल में भी आप ड्राइव का यूज कर सकते हैं और कैनवा uh, की मोबाइल एप्लीकेशन भी है ठीक है तो गूगल uh, ड्राइव जब आपने यूज किया हो तो आपने uh, आप उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो है पीपीटी uh, आप बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सिमिलरली गूगल ड्राइव में भी आप अपनी स्लाइड्स जो है यानी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और इसका फायदा यही है uh, कि जैसे ड्राइव में आपने काम करा तो ड्राइव में जब भी आप काम करते हैं तो उसे सेव करने की ज़रूरत नहीं होती वो सब ऑटो तो सेव रहता है आपकी ईमेल आईडी में जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है इसी तरीके से आप अपनी ही ड्राइव में कोई भी पीपीटी क्रिएट कर सकते हैं उसे बार बार आ, सेव करने की जरूरत नहीं है और उसको आप शेयर भी कर सकते हैं यानी किसी के साथ आपने शेयर किया कोलेबरेटिव मैनर में आप एक पर्टिकुलर उस गूगल स्लाइड में जो है काम कर सकते हैं यानी कि जैसे कि आपने ड्राइव में काम किया है आपने देखा होगा कि एक डॉक्यूमेंट में कई सारे लोग जो है वो एडिट कर सकते हैं कई सारे लोग जो है उसे उस पर काम कर सकते हैं उसी तरीके से गूगल ड्राइव गूगल ड्राइव में जब आप स्लाइड का यूज करेंगे गूगल स्लाइड का तो इस इन स्लाइड्स पे भी कोलैबोरेटिव स्टाइल में काम किया जा सकता है तो ये मैं आपको अपनी ड्राइव खोल के मैं बताती हूँ कि गूगल स्लाइड में कैसे करते हैं उसके बाद एक मिनट मैं अभी अनशेयर करके आपको ड्राइव पे लेकर आती हूँ स्क्रीन विजिबल है आप लोगों स्क्रीन दिख रहा है मेरा ये yes, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है तो ये है मेरी ड्राइव जिसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स आप पड़े हैं आप देख पा रहे हो इसमें अगर हमको गूगल स्लाइड आ, आ, एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे अपनी ड्राइव में आपको जाना है आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लस का निशान है जिसपे न्यू लिखा है न्यू पे आप क्लिक करेंगे अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए कि आपको नया फोल्डर बनाना है फाइल अपलोड करनी है फोल्डर अपलोड करना है गूगल डॉक बनाना है जो कि हम नॉर्मली करते हैं सब लोग शीट्स पे भी हम लोग काम करते हैं इसी तरीके से हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं तो जैसे ही हमने स्लाइड पे क्लिक करा आपने देखा होगा कि एक स्लाइड जो है क्रिएट होकर आई है और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का पीपीटी होती है आ, उस उसपे ऑलरेडी इन बिल्ड डिजाइन होते हैं इसी तरह का आप देख पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड में भी बहुत सारे जो है ये स्लाइड्स uh, के ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं कि इसमें से मैं कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकती हूँ और अपनी प्रेजेंटेशन को वो डिजाइन दे सकती हूँ तो आप इसमें से कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं ये सेम वैसे ये क्लिक टू एड टाइटल यहाँ पे अपनी हेडिंग डालिए सब हेडिंग आप डालिए इसके बाद अगर आपको इसमें कोई और कंटेंट ऐड करना है तो आप मैं इंसर्ट वाला ऑप्शन आपको दिखा देती हूँ इंसर्ट इमेज अगर आपको आपके सिस्टम में कोई इमेज है ऑलरेडी और आप वो चाहते हैं कि वो मैं मेरी पीपीटी में आ जाए इस प्रेजेंटेशन में आ जाए तो आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे इमेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर या अगर आपको वेब से सर्च करना है तो सर्च फ्रॉम सर्च द वेब करेंगे ड्राइव में है जी आई एफ या स्टिकर लगाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं और यहाँ और भी ऑप्शंस हैं uh, उन ऑप्शंस Uh, को सिलेक्ट करते हुए आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं सिमिलरली टेक्स्ट बॉक्स अगर आप देख इंसर्ट uh, करना चाहते हैं ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है लेकिन आपको जरूरत है एक और टेक्स्ट बॉक्स की मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ मान लीजिए मेरी ये स्लाइड ब्लैंक है और इसमें जो है कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब हमारी लंबी सी प्रेजेंटेशन हो जाती है और हम अः उसमें अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं uh, हम अपने आप अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट दो ही टेक्स्ट बॉक्स आते हैं आप देख रहे हैं हमें चाहिए इसमें चार टेक्स्ट बॉक्स चाहिए स्लाइड में तो मैं एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो भी इंसर्ट कर सकती हूँ इंसर्ट बटन क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ये हमारा कर्सर जो है प्लस के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से हम दूसरा कर लेंगे सपोज आप कोई रिलेशनशिप दिखाना चाह रहे हैं किसी भी कॉन्सेप्ट की तो आप यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके और उनको एरो से आप कनेक्ट कर दीजिए तो आपका जो है रिलेशनशिप एक तरीके से आप शो कर सकते हैं इसी तरीके से जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं शेप्स ऐड कर सकते हैं टेबल्स ऐड कर सकते हैं चार्ट्स डायग्राम्स वर्ड आर्ट ये ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एमएस वर्ड में होता है और एम एस पावर पॉइंट में होता है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं ये है लिंक ऐड करने के लिए अगर आप कोई एक्सटर्नल लिंक ऐड करना चाहते हैं या कोई लिंक आपने लिखा है और उसको आप क्लिकेबल बनाना चाहते हैं तो इस लिंक वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आ, इस टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिख दिया ठीक है ये मैंने दीक्षा का यू डाल दिया अभी आप मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये तो सिर्फ वो है ऐसे तो मैंने यू डाला मगर ये क्लिकेबल नहीं है या ये तो सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है ये ये क्लिक होके मैं इस वेबसाइट पे नहीं जा पा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी इसको सिलेक्ट करूँगी और मुझे इसे इस क्लिकेबल बनाने के लिए वापस इंसर्ट पर जाएंगे जाना होगा और इसको मैं लिंक पर क्लिक करूँगी तो ये लिंक आप देखेंगे कि क्लिकेबल बन जाएगा जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा नीचे वेबसाइट ऑटोमेटिकली आ गई ठीक है तो लिंक के ऑप्शन से आप अपने लिंक्स को क्लिकेबल भी बना सकते हैं तो इंसर्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे स्लाइड का नंबर आप ऐड कर सकते हैं कमेंट्स ऐड कर सकते हैं कमेंट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब आप कोलेबरेटिव स्टाइल में काम कर रहे हैं सजेस्टिव मोड में आप काम कर रहे हैं तो जो दूसरा यूजर है जो इस चीट पर काम कर रहा है स्लाइड में काम कर रहा है उसको हम अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो हम कमेंट में लिख सकते हैं इसी तरीके से फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है ये तो आपको पता ही होगा सिंपल हमारे माइक्रोसॉफ्ट सभी लोगों ने यूज करा है फॉर्मेटिंग ऑप्शन जैसे यूज करते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है ये स्लाइड में आप देख सकते हैं ये सिंपल यहाँ पे न्यू स्लाइड करिए डुप्लीकेट स्लाइड बनाइए डिलीट कर सकते हैं कोई स्लाइड अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन में जो ये एक्स्ट्रा हो गई है और मैं उसको हाइड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो आप स्किप स्लाइड पे अगर क्लिक क्लिक करेंगे जैसे मैं इसको चाहती हूँ भाई हाइड हो जाए तो मैं स्लाइड पे जाके स्किप स्लाइड पे अगर करूंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आई का निशान आ रहा है जो कि कट हुई यानी कि ये स्लाइड अब हाइड हो गई है आपको प्रेजेंटेशन मोड में ये स्लाइड नहीं दिखेगी तो ये ये इंसर्ट का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको ये वाला मेन्यू खोल के दिखा दिया अदरवाइज जो बाकी के मेन्यू है वो सेम ही है uh, इसमें आप देख सकेंगे uh, फाइल में आप अपनी प्रेजेंटेशन का एक कॉपी बना सकते हैं अदरवाइज अगर आप नॉर्मली ऑफलाइन मोड में जब आप काम करते हैं तो आपको कॉपी का ऑप्शन क्लिक करना होता है राइट मतलब कि अपनी प्रेजेंटेशन को आप जब सेलेक्ट करते हैं और राइट right क्लिक करते हैं तब कॉपी का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइल मेन्यू में ही कॉपी का ऑप्शन आ रहा है तो ये आप स्लाइड इस तरीके से कोलाबरेटिव स्टाइल में बना सकते हैं हाँ हाइड करने के लिए आप सिंपल uh, आपको स्लाइड को सिलेक्ट करना है मैं एक स्लाइड पहले ऐड कर देती हूँ हाँ ये मेरी एक नई स्लाइड है मैं चाह रही हूँ कि ये वाली स्लाइड मेरी प्रेजेंटेशन में नहीं दिखे तो या तो मैं इसको राइट क्लिक करके हाइड कर दूँ मैंने अब स्लाइड को सिलेक्ट करा और राइट क्लिक करा फिर आप देखेंगे कि स्किप स्लाइड का एक ऑप्शन आ रहा है स्किप स्लाइड पे जब मैंने क्लिक करा तो ये मेरी स्लाइड हाइड हो गई अब ये प्रेजेंटेशन मोड में नहीं दिखेगी वैसे रहेगी ये मेरी पी पीपीटी में क्योंकि हो सकता है मुझे आगे कभी ज़रूरत पड़ जाए स्लाइड की किसी और मीटिंग में अगर मुझे मुझे प्रेजेंट करना है तो तो प्रेजेंटेशन बोर्ड में लेकिन ये स्लाइड हाइड हो जाएंगी इसी तरीके से आप बाकी के भी देख सकते हैं ऑप्शंस अरेंज है टूल्स है स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं डिक्शनरी का ऑप्शन है फिर मैं आपको बता रही थी एक कैनवा का मैंने आपको बताया था तो ये कैनवा का होम पेज है आप सब लोग जिन्होंने ट्राई नहीं करा वो एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा बल्कि अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रही हूँ कि मेरे सारे एप्लीकेशन आपको बता के फिर हम लोग जो है साथ में जो सवा बारह से हमारा सेशन होगा उसमें हम हैंड्स ऑन करें तो आप ये सब चीज़ें जरूर इनको ओपन करके रख लीजिएगा कैनवा में कैनवा को ओपन करने का कोई ऐसा आपको इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है सिंपल गूगल ब्राउजर में आप लिखेंगे कैनवा मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे न्यू विंडो ओपन करिए आप देख पा रहे हैं इसे लगाए रहा। बस आपको ब्राउजर में लिखना है कैनवा और इस पे है कैनवा डॉट कॉम सबसे पहला जो लिंक आएगा वो आपको ओपन करना है और आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे आ, लेकिन हाँ होम पेज पे पहुंचने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉग इन करना ज़्यादा एडवाइजेबल है क्योंकि लॉग इन जब आप करते हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर का किसी भी एप्लीकेशन के मैक्सिमम फीचर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं तो यहाँ मैंने लॉग इन करके रखा हुआ है आप देखेंगे ये इसका होमपेज आ गया है और होम पेज में आपसे ये एक आप देखेंगे जहाँ पे आपने लॉग इन किया है आ, वहां पे आ रहा है क्रिएटर डिजाइन टॉप राइट कॉर्नर में क्रिएटर डिजाइन या तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिजाइन क्लिक कर डिजाइन uh, स्टार्ट कर सकते हैं डिजाइन करना ये पूछेगा आपसे कि डॉग बनाना है व्हाइट बोर्ड यूज करना है प्रेजेंटेशन बनानी है पोस्टर बनाना है फ्लायर बनाना है एटसेट्रा एटसेट्रा uh, या फिर ये जो आप देख रहे हैं यू माइट वॉन्ट टू ट्राई यहाँ भी ये यह बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं हम्म तो इनकी हेल्प से भी आप जो है कोई कुछ भी डिजाइन कोई भी इंफोग्राफिक आप बना सकते हैं ये कुछ पहले के बनाए हुए हैं हमारे जो यहाँ पे पड़े हुए हैं आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये मेरे अकाउंट में लॉग है तो मेरे अकाउंट में जितने भी काम हुआ है वो इधर दिख रहा है अब एक सपोज हम कोई पोस्टर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मैंने क्लिक करा पोस्टर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया और जैसे मैंने स्क्रीनशॉट पे दिखाया था लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं डिजाइन के एलिमेंट्स uh, के टेक्स्ट के ब्रांड uh, को हम छोड़ देते हैं ये शायद पेड है क्या एक बार इसको ओपन करके देख लेंगे अपलोड के अपलो तो डिजाइन में हम देखेंगे ये मेरा अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ये डिजाइन में आप देखेंगे ये आप बहुत सारे डिजाइन ओपन होके आ गए हैं टेम्पलेट्स के नीचे अगर आप देखें ये ये जहां मेरा कर्सर है कौन सा डिजाइन आपको सूटेबल लग रहा है जिस भी परपज के लिए आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उस डिजाइन को आप सिलेक्ट कर लीजिए लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ डिजाइन जो है ये प्रो वर्जन है प्रो वर्जन का मतलब ये हुआ कि ये पेड है आप इन्हें यूज नहीं कर पाएंगे तो जो फ्री वर्जन है वो हमको यूज करना है अदरवाइज अगर आपने परचेज किया हुआ है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है तो हम कोई फ्री डिजाइन ले, ले लेते हैं ये एक हमको दिख रहा है यहाँ पे आ, मैंने यहाँ क्लिक करा तो ये मेरा डिजाइन यहाँ पे देखिए निकल के आ गया फिर इसमें मैं एलिमेंट्स यूज करूंगी अब जो भी मेरा पर्पज ही डिपेंड करता है आप किस क्लास के लिए बना रहे हैं किस सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं क्या आपका टॉपिक है तो उस टॉपिक उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस पोस्टर को क्रिएट करना है एलिमेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स पे क्लिक करते हुए बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए या अगर आपको लग रहा है कि मेरी पसंद का तो मतलब जो मुझे चाहिए यहाँ पे वो नहीं मौजूद है तो आप यहाँ सर्च में लिख दीजिए ठीक है जैसे मैंने लिख दिया बुक्स वैसे बुक्स इसमें होंगी लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ जब मैंने बुक्स लिखा तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स सा आ गई कुछ इसमें पेड हैं और इसमें जो फ्री है हम वो उठाएंगे जैसे ये वाली पिक्चर है तो ये मैंने उठा के ये जैसे ही क्लिक करा ये पिक्चर यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ आ गई इसको आप रिसाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको प्लेसमेंट दे सकते हैं अगर आप इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन्यू आ रहा है आप देख रहे हैं ये पूरा जहाँ मेरा कर्सर है टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे इसमें यह पूछेगा कि आप क्या आपको हेडिंग चाहिए हेडिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जो है निकल के आ गया और आप इसको एडिट कर सकते हैं या आप हम्म एक सेकेंड में

पेड वर्जन यूज़ करना नहीं है फ्री फीचर जो हैं वो सारे यूज़ करने हैं कैनवा को एक्सेस करना भी ईजी है तो आप इसको ओपन करके रख लें अभी साथ के साथ और इस पर कोई भी एक छोटा सा डिज़ाइन जो है वो आप क्रिएट करके दिखाइएगा इसके बाद वापस हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे हाँ नहीं देखिए ये वाइट बोर्ड जितने भी फीचर्स हैं मैंने आपको सारे फीचर्स नहीं बताए हैं मैंने आपको सिर्फ एक उसको कैसे आपको एक्सेस करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप अब ख़ुद ही एक्सप्लोर कीजिएगा आप एक बार देखिएगा कि वाइट बोर्ड को कैसे यूज़ करना है क्योंकि कैनवा मैंने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि कैनवा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो मतलब बहुत यूज़ करते हैं लोग बहुत ज़्यादा तो सभी लोग फेमिलियर भी लो मैंने इसलिए पूछा भी था कि आप लोगों ने कैनवा यूज़ करा है तो बहुत लोग जो है कैनवा को यूज करते हैं जैसे व्हाइट बोर्ड कोई बहुत बड़ा वो नहीं है मुश्किल नहीं है आप एक बार ट्राई करके देखेगा ट्राई करके करने से ही हमको सीखने को मिलेगा फिर आ, ये हम प्रेजेंटेशन पे आ गए वापस डायग्राम्स ये अभी हमारा चल रहा है गूगल स्लाइड का ही हाँ इसके बाद एक और वेबसाइट है जिसकी हेल्प से हम फ्री स्लाइड्स ले सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं हो सकता है कि आपने इसका नाम भी सुना होगा और ये है स्लाइड्स गो डॉट कॉम तो स्लाइड्स गो डॉट कॉम जो है इसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स नंबर ऑफ टेम्पलेट्स आर अवेलेबल देयर उधर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं अलग अलग डिजाइन के जिनको आप ले सकते हैं जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तो इसको आप इसको भी मैं कहूँगी कि अभी जो है अपने ब्राउजर में आप खोल के रख ले स्लाइड्स गो को यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स को के लिंक्स जो है वो पेस्ट कर रखे अभी मैं आपको स्लाइड्स गो भी, भी ले जाके दिखाऊंगी ये एक मैं आपको यूआरएल आर खोल के दिखाती हूँ गो की ये स्लाइड गो का वो है आ, application है एप्लीकेशन अब आप इसमें देख रहे हैं ये एग्जाम्पल हमने लिया है एरो टाइमलाइन का अगर आप टाइमलाइन शो करना चाहते हैं जैसे कि अभी हमने इंफोग्राफिक का जो इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये बताया था इंफोग्राफिक टाइमलाइन को भी आप एक इंफोग्राफिक की फॉर्म में दिखा सकते हैं तो टाइमलाइन को किस किस तरीके से दिखा सकते हैं ये है एरो की फॉर्म में और इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग तरीके के डिजाइन जो है वो अवेलेबल है टाइम को शो करने के लिए तो आप टाइम में क्या दिखाना चाह रहे हैं आप पॉपुलेशन को टाइम में दिखाना चाह रहे हैं आप जो है आ, कोई किसी चीज कोई मेडिकल फील्ड में अगर कोई है वो कोई एक प्रोसेस जो है वो टाइमलाइन में दिखाना चाह रहा है तो क्या दिखाना चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से की टाइम लाइन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और लेते हैं तो ये टाइम लाइन एरो टाइम लाइन का एग्जाम्पल है इसके बाद एक और मैं आपको यू खोल के दिखाती हूँ हाँ ये एक जो हमने यहाँ पे यूआरएल अभी ओपन करा ये है टीवी सीरीज सोशल मीडिया अगर इस सोशल मीडिया के लिए आपको कोई पीपीटी बनानी है कोई स्लाइड बनानी है कोई इंफोग्राफिक अगर आपको बनानी है तो उसकी भी स्लाइड्स यहाँ पे मौजूद हैं जैसे एक हमने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है और इसी के नीचे आप देखेंगे आ, इस इमेज के नीचे के और भी ज़्यादा टेम्पलेट जो है वो यूज वो अवेलेबल है और उसमें जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप टेम्पलेट जो है वो चूज कर सकते हैं आप इसमें यू आर एल की कोई ज़रूरत नहीं आप सिंपल उस पर लिखिए गूगल ब्राउजर पे स्लाइड्स गो एस एल आई डी ई एस ये जो लिखा है ना स्लाइड्स गो और आप पर्स लिंक को ओपन कर लीजिएगा तो आप स्लाइड्स गो पे आ जाएंगे फिर नेक्स्ट एक और मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के ये ग्लोबल वार्मिंग अगर हम दिखाना चाह रहे हैं तो उसका एक टेम्पलेट यहाँ पर है और आप देखेंगे कि इस टेम्पलेट के साथ साथ और भी ज्यादा टेम्पलेट जो है, वो यहां पर है तो मैं फिर आपको आई होप आप सब लोगों ने स्लाइड्स पे पहुंच गए होंगे अगर नहीं पहुंचे तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप सिर्फ गूगल ब्राउजर अपना खोलिए मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे आपने कैनवा खोला था सिंपल उसी तरीके से मेरा स्क्रीन दिख रहा है शशि स्लाइड्स गो डॉट कॉम मैंने ब्राउजर पे सिर्फ ये लिखा है स्लाइड्स गो और आप देख रहे हैं स्लाइड्स गो डॉट कॉम ही आ गया इसमें सबसे पहला लिंक जो है वो हम क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आप स्लाइड्स गो के होम पेज पे पहुंच गए हैं आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंडिंग सर्चेज आ रही हैं जो मोस्टली लोगों ने जो सर्च किया होगा स्लाइड्स को वो सारी स्लाइड्स आ रही हैं लेटेस्ट थीम्स आ रहे हैं अगेन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्राउन का निशान है इट मीनस के ये पेड वर्जन है तो जो हमें फ्री वर्जन है हम तो फ्री वर्जन ही यूज़ करेंगे ये आपका स्लाइड्स गो का होम पेज है फिर आपको जैसे हमने बताया था लॉग इन करना पड़ेगा तो आप लॉग इन कर लीजिए लॉग इन पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आप कैसे लॉग इन करना चाहते हैं तो हम करेंगे अपनी जी मेल से इसी तरीके से आप लोग भी अपने मैं, आप लोग स्लाइड्स गो पे अभी लॉगिन करके रख लीजिए आप देख पा रहे मैंने अपनी स्लाइड्स कुछ हाइड कर रखी है अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो कुछ स्लाइड्स जो है मेरी भी हाइड हुई में ये जो हमारा जब आप गूगल में काम करते हैं तो कुछ फीचर्स इसमें बहुत अच्छे हैं इसके जी मेल के नेक्स्ट वन इज ई ड्रॉ माइंड E -Mind एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप जो है माइंड मैप्स क्रिएट कर सकते हैं और माइंड मैप्स हम क्यों क्रिएट करते हैं ये मैंने यहाँ पे क्लिकेबल लिंक लगाया हुआ है इसकी हेल्प से मैं अच्छा ये दो व्यू पे आ गए तो ये लिंक आई थिंक इसमें कोई गलती हो गई है बट मैं आपको बताती हूँ ई माइंड आपको कैसे खोलना है फिर से आप गूगल पे जाइए गूगल ब्राउजर पे और हाँ ई ड्रो माइंड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ई ड्रॉ माइंड आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ई ड्रॉ सॉफ्ट डॉट कॉम का ये एप्लीकेशन है ई ड्रॉ माइंड इस पे आप क्लिक कीजिए टाइम सेव करने के लिए मैं आपसे कहूँगी आप मेरे साथ साथ ऐसे ही करते जाइए ब्राउजर पे ई ड्रॉ माइंड लिखिए जो फर्स्ट लिंक आएगा उसे क्लिक कीजिए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए तो डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का होम पेज दिखेगा दिख रहा है सेकंड अच्छा मैं दोबारा से शेयर करती हूँ आपको होमपे शायद नहीं दिख पा रहा है तो ईड्रो माइंड को आप डाउनलोड कर लीजिए ब्राउजर पे आप लिखिए ईड्रो माइंड और जो पहला लिंक जैसे हमने बताया उस पर क्लिक कीजिए तो आप इस एप्लीकेशन को आप फिर रन कीजिएगा वो तो डाउनलोड होने के बाद वो पूछेगा सेटअप उसका आएगा सेटअप को आप रन कीजिएगा और जब वो रन हो जाएगी डाउनलोड हो जाएगी पूरी एप्लीकेशन तो आप उसके होम पेज पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे तो ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है विजिबल होने में जी जी थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये मेरा मुझे दिख रहा है आप तक ये स्क्रीन आप लोग नहीं देख पा रहे हैं मैं दोबारा से शेयर करती हूँ सॉरी uh, मैं मैं आपको ये बता रही थी कि इसका आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए आराम से क्रिएट पे क्लिक करते ही ऑप्शन आएंगे कि आपको लोकल माइंड मैप बनाना है क्लाउड माइंड मैप बनाना है uh, या कुछ और बनाना है या इंपोर्ट करना है तो हम नॉर्मली uh, हम पहले लोकल माइंड मैप ही बनाना सीखते हैं और लोकल माइंड मैप में भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शो कर सकते हैं तो इसपे जब हम क्लिक करते हैं तो एक लोकल माइंड मैप का टेम्पलेट यानी होम स्क्रीन जो है वो खुल जाता है जिसमें के मेन आइडिया और सब टॉपिक्स के बबल्स आते हैं तो आप इसको प्लीज कर लीजिए क्योंकि स्क्रीन पे विजिबल नहीं है तो आपको सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा आप ड्रॉ e माइंड को कर लीजिए डाउनलोड और रन कर लीजिए हाँ जी मुझे पता है स्क्रीन ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे फिर इसके बाद वापस हम अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं ये भी आप सब लोगों ने ट्राई किया होगा व्यू का क्योंकि चैट बॉक्स में हाँ लैपटॉप पे आप इसको कर सकते हैं लैपटॉप पे है तो आप ईट्रॉ e माइंड को लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं मैंने भी लैपटॉप से ही एक्सेस कर रखा है इसको व्यू भी आप सब लोगों ने यूज़ किया है और कुछ लोगों ने यूज किया है हो सकता है किसी ने नहीं भी किया हो तो व्यू भी हम देख लेते हैं एक बार व्यू भी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम कॉन्सेप्ट मैपिंग

एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए हाँ मैं अभी बताती हूँ अभी आप डाउनलोड कर लीजिए फिर आप सबको अनम्यूट करके वन बाय वन तो सर जब हमने डाउनलोड का बटन पे क्लिक करा तो आप देख रहे हैं कि ये आपसे पूछ रहा है कौन सा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है तो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या आप मैक कर रहे हैं तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम से भी जो कंपेटेबल ये है सेटअप वो आप लेंगे तो आप इसको भी डाउनलोड कर मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप डाउनलोड कर लेंगे विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट को तो उसका होम स्क्रीन कैसा दिखेगा अच्छा गूगल पे आप ठीक है मैं बताती हूँ गूगल पे आप कैसे इसको कर सकते हैं आप सिंपल गूगल ब्राउजर पे जाके लिखेंगे विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट और इसमें जो पहला लिंक होगा वी यू ई डॉट ट्स डॉट 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 ई डी यू इस पे क्लिक कीजिए फिर आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा जो मैंने आपको अभी बताया था जहाँ पे डाउनलोड बटन आप देख पाएंगे व्यू का फोन वर्जन नहीं है मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है जहाँ तक मुझे पता है और कॉन्सेप्ट मैपिंग की अप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी प्ले स्टोर में और व्यू का नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड स्टार्ट कर दीजिए सेटअप इसका रन कर दीजिए और आप फिर जब आपका डाउनलोड हो जाएगा विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट तो आपका ये होम पेज बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ये है आपका मैप एरिया जिसमें आप अपना कॉन्सेप्ट मैप स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना जी हाँ माइंडोमो भी कर सकते हैं माइंडोमो भी है माइंडोमो की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है अब आप देख पा रहे हैं अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो ये आपका मैप एरिया है एम टी मैप एरिया जहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट मैप बनाना स्टार्ट करेंगे और इसकी एक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टॉप पे मेन्यू बार है जिसमें कुछ मेन्यू दिए गए हैं फाइल एडिट व्यू फॉर्मेट कंटेंट पाथ पेज एनालिसिस एक्सेट्रा उसके नीचे है टूल बार जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट टूल्स दे रखे हैं इसमें जो पहला टूल है जब आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे uh, तो यह बताएगा ये सिलेक्शन टूल है ये आपका नोट टूल है क्योंकि जब भी हम uh, कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं तो उसमें हमारा एक सेंट्रल आइडिया होता है और उस सेंट्रल आइडिया को हम फर्दर स्मॉल सब कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक करते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट को शो uh, करने के लिए हमारा ये हम नोट से शो करते हैं मेन कॉन्सेप्ट को जब हम आप इस पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हम नोट जो है बना पाएंगे यानी कि इसमें हम अपना सेंट्रल आइडिया या मेन कॉन्सेप्ट या मेन टॉपिक जो है वो हम लिखेंगे और ये हमारे कनेक्टर कनेक्टर्स हैं इसके बाद आप देखेंगे कि एक लाइन दिख रही है इस लाइन पे आप जब लेके जाएंगे तो इसका ये नाम भी बता रहा है ये लिंकिंग टूल है आप इस पे क्लिक कीजिए सपोज मेरे एक ये मेरा मेन टॉपिक है और मैं इसको एक सब टॉपिक से कनेक्ट करना चाह रही हूँ ये मेरे दो सब टॉपिक्स हैं तो ये दो मेरे सब टॉपिक्स हैं और मुझे इन्हें कनेक्ट करना है तो मैं लिंकिंग टूल का यूज करूँगी लिंक टूल को हमने सेलेक्ट करा हम अपने मेन नोट पे गए जहाँ से भी हमको लिंक करना है वहां से हमने वहाँ पे अपना कर्सर लेके गए और फिर ड्रैग करना स्टार्ट करा हाँ मैं अभी रिपीट करती हूँ और ड्रैग करके हम सीधा अपने सब टॉपिक के पास लेके गए और आप देख पा रहे होंगे कि हमारा टॉपिक सब टॉपिक से करेक्ट हो गया लेकिन बीच में आप देख रहे हैं कि ब्लिंकिंग एक बॉक्स आ गया है जिसमें ये वर्ड एक ब्लिंक कर रहा है तो ये है हमारा कनेक्टर यानी कि अगर हमें कोई लिंकिंग वर्ड डालना है तो हम इस वाले लिंक बॉक्स में डाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया एंड तो अगर मैं अपना मेन टॉपिक को सब टॉपिक से कनेक्ट कर रही हूँ और उसके बीच में कोई लिंकिंग वर्ड डालना चाह रही हूँ तो वो यहाँ पे लिख सकती हूँ एक बार और मैं इसको कनेक्ट करके दिखाती हूँ अब मुझे दूसरे सब टॉपिक से कनेक्ट करना है तो मैं फिर मेन टॉपिक पे अपना कर्सर लेके गई और फिर ड्रैग करना स्टार्ट करा और फिर सब टॉपिक तक हम ले आए तो हमने देखा कि हमारा दूसरा सब टॉपिक भी कनेक्ट हो गया और बीच में एक लिंकिंग वर्ड बाय डिफॉल्ट आ रहा है तो कभी कभी ये होता है कि हमें हर बार लिंकिंग वर्ड की जरूरत नहीं होती है कभी कभी हमें होती भी है नॉर्मली हमको जब हम कॉन्सर्ट मैपिंग करते हैं तो लिंकिंग वर्ड चाहिए होता है लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत नहीं भी होती अगर मान लीजिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है लिंकिंग वर्ड की तो हम कहीं भी क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि लिंकिंग वर्ड चला गया गायब हो गया लेकिन अगर ऐड करना है कभी कभी गलती से ही होता है कि गायब हो गया तो हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे इसी लाइन पे दोबारा से क्लिक करेंगे और ये लिंकिंग वर्ड जो है वापस से विजिबल हो जाएगा तो मान लीजिए इसको मैंने हटा दिया अब हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो सब टॉपिक है ये मेरा सेंट्रल आइडिया है और ये मेरा सब टॉपिक है और सब सिमिलर ही लग रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा ये तो मैंने सब टॉपिक लिख दिया इसलिए पता चल रहा है कि सब टॉपिक है लेकिन जब हम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मैपिंग करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई टर्म हम लिखेंगे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि क्या है सब टॉपिक क्या है और मेन टॉपिक क्या है क्योंकि बिल्कुल ये सेम सेम ही दिख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं हमारी जो नोड्स हैं यानी जो हमारे बॉक्सेस हैं इनका हम शेप भी चेंज कर सकते हैं इनका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं यानी कि इनकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट मैप की तो इसको जहां भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है हम उसे सिलेक्ट uh, करेंगे अभी देखिए आप मेरा कर्सर प्लस के निशान की तरह ही घूम रहा है इसका ये कर्सर में चेंज नहीं हुआ है तो इसको अगर मुझे चेंज करना है तो क्या करना है ये क्यों है क्योंकि अभी इसने ये लाइन वाला जो लिंकिंग टूल है वो अभी पकड़ रखा है तो मैं इसे वापस लिंकिंग टूल पे क्लिक करूंगी और सिलेक्शन का जो ये एरो आर, जो है फर्स्ट सिलेक्शन का है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी सिलेक्शन टूल है तो मेरा कर्सर एक नॉर्मल कर्सर की शेप में आ गया अब मुझे फॉर्मेटिंग करनी है इन बॉक्सेस की तो मैंने इन्हें सिलेक्ट कर लिया सिंपली क्लिक करके बस क्लिक करा और ये सिलेक्ट हो गए फिर हम जाएंगे विंडोज में विंडोज में हमें फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा इसमें आप देख पा रहे हैं शेप हम इसमें चेंज कर सकते हैं जो भी जैसे भी हमको जरूरत है उसके हिसाब से हम लाइंस भी चेंज कर सकते हैं यानी जो कनेक्टिंग लाइंस है इनको चेंज कर सकते हैं हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं मैंने इनका कलर बदल दिया थोड़ा सा ताकि मेन आइडिया और सब आइडिया में जो है कुछ डिफरेंस रहे इसी तरीके से हम जो कनेक्टिंग लाइंस हैं इनके स्ट्रोक्स को हम चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट uh, स्टाइल आप बदल सकते हैं फॉन्ट का कलर बदल सकते हैं बोल्ड आइटेल अंडरलाइन ये जो नॉर्मली फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हो सकते हैं उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं तो इस कनेक्टिंग लाइन को अगर हम शेप इसका बदलना चाहते हैं जो हमारी लिंकिंग लाइन है तो आप देख पा रहे हैं जब हमने लाइन पे क्लिक करा तो ये अलग अलग इसके शेप दिखने लगे अः ये कुछ देख रहे हैं आप कर्व लाइन है तो इस तरह की लाइन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है बहुत हमारा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा हमने कॉन्सर्ट मैप बनाया है और उसको हमें किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अगर कनेक्ट करना है तो हम इस तरह की शेप्स का जो है वो यूज कर सकते हैं तो आप देख पा रहे हो मैंने इसको बस से करा और इसको आप यहाँ स्ट्रोक्स इसका बदल सकते हैं लाइन का आप देख रहे होंगे डिफरेंट स्ट्रोक्स आ रहे हैं डॉटेड में अगर आप दिखाना चाहते हैं आप देखेंगे डॉटेड फॉर्म में आ गई है कुछ किसी टॉपिक को सब टॉपिक को हम जो है डायरेक्टली कनेक्ट करना डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे अगर हम उसको इनडायरेक्ट उसका कनेक्शन दिखाना चाह रहे हैं तो हम डॉटेड लाइन का यूज भी कर सकते हैं तो ये इस ड्राइंग टूल्स के यूज हैं इसी की हेल्प से आप अपना एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैप आप बना सकते हैं इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ई ड्रॉ माइंड डाउनलोड डाँ, कर लिया सबने और व्यू भी डाउनलोड कर लिया हम्म लाइंस में कुछ नहीं कनेक्टिंग लाइंस है दो टॉपिक्स को कनेक्ट करने के लिए लाइंस है ये इनको अगर आपको यूज करना है तो आपको सिर्फ आ, क्लिक करना पड़ेगा लाइन के ऊपर और आप देखेंगे आपका कर्सर जो है प्लस के निशान में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद आपको जिस भी आइडिया से जिस भी टॉपिक से कनेक्ट करना है सब टॉपिक को वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मैं एक बार आपको मैंने यहाँ पे अपना कर्सर लेके गई और मैंने लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करा सपोज मेरा कोई सब टॉपिक यहाँ पर है तो मैं यहाँ तक अपनी लाइन को ड्रॉ करके लेके चली गई और यहाँ पे एक मैं नोट ड्रॉ कर देती हूँ सपोज एक और मेरा यहाँ पे सब टॉपिक है इसको हम प्लेसमेंट भी इसका कर सकते हैं अपने बॉक्सेस का जो हमने नोट्स लिए हैं मैं ये आ, अप डाउन राइट और लेफ्ट एरो जो होते हैं कीबोर्ड में इनका यूज करके इसको मूव कर रही हूँ इन बॉक्सेस को लाइंस का स्टाइल हाँ मैं बताती हूँ कर्व लाइंस लाइंस जो कनेक्टिंग लाइंस हैं इनको सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ सिर्फ क्लिक करना है और ये सिलेक्ट हो जाएंगी और फिर आप जाएंगे विंडोज पे विंडोज में है फॉर्मेटिंग पैलेट्स फॉर्मेटिंग पैलेट फॉर्मेटिंग पैलेट में आप देखेंगे जो सेकेंड ऑप्शन है शेप के नीचे लाइन का इसमें आपको कर्व लाइन्स मिल जाएंगी तो इन कर्व लाइंस को ये एक और अलग तरीके की लाइन कर्व लाइन है इसको जैसे आप जहाँ पे लेके जाना चाहे जिस डायरेक्शन में जितना बड़ा आप करना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ये है कर्व लाइन का ये कर्व लाइन ऐसी कि आपके अकॉर्डिंग जो है वो बेंड हो जाएगी इसको आप जैसे मूव करना चाहे जिस भी आप आइडिया से कनेक्ट करना चाहे जहां भी आपने लिखा है कॉन्सेप्ट मैप अगर आपने बड़ा बनाया है तो इन तरह की लाइंस की जरूरत पड़ सकती है फिर क्रॉस से हम इसे बंद कर देंगे विंडोज को व्यू में यह है कि ये तो अभी हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैप की कुछ हमने आ, ये देखा कि मेन इसको आप ड्रॉ कैसे करेंगे कि आप मेन आइडिया से जो आपका सब आइडिया या सब सब टॉपिक है उससे कैसे कनेक्ट करेंगे इसकी एक और खासियत ये है कि आप आ, इस वाले कॉन्सेप्ट मैप में आप इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं आप वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं और आप कोई एक्सटर्नल लिंक भी ऐड कर सकते हैं तो उसको ऐड करने का क्या तरीका है कि आप क्लिक करेंगे जिस भी नोट पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए सपोज uh, ऐसा होता है कि कॉन्सर्ट मैप में हम बहुत सारी चीजें तो नहीं दिखा सकते क्योंकि हम उसमें एक मेन आइडिया रख रहे हैं और कुछ एक बहुत सारे हमारे जो है सब आइडियाज हैं तो उन सब आइडियाज से रिलेटेड कुछ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने कॉन्सर्ट मैप में तो वो भी आप कर सकते हैं और उसका तरीका ये है कि आप जहाँ भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वहाँ क्लिक कीजिए राइट क्लिक कीजिए राइट क्लिक करते ही आप देखेंगे ये एक मेन्यू खुल के आ गया है और उस मेन्यू में है एड नोट्स फॉर्मेटिंग पैलेट तो वही जो अभी हमने करी थी इसमें आप नोट्स एड नोट्स एड कर सकते हैं की वर्ड एड कर सकते हैं की वर्ड जनरेट कर सकते हैं बट तो उसके लिए कुछ एपीआई की आपको जरूरत पड़ेगी आप यूआरएल ऐड एड कर सकते हैं इमेज फाइल यूज कर सकते हैं या कोई फ्लिकर इमेज है वो भी आप ऐड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे अभी हम आपको दिखाते हैं या आपको कोई यू आर एल ऐड करनी है सपोज़ मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और सोशल स्टडीज़ में मेरा टॉपिक है स्पेस वो एटमोसफियर का कोई मेरा टॉपिक है और मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही हूँ कॉन्सर्ट मैप में लेकिन मैं यहाँ पे कोई यू आर एल ऐड करना चाह रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ऐड यू आर एल का ऑप्शन जो है वो क्लिक करूंगी और आप देखेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया जिसमें मैं यू आर एल डाल सकती हूँ तो कोई भी रिलेवेंट वेबसाइट जो है बच्चों के लिए वो उसका यू आर एल आप यहाँ पे डाल सकते हैं ये मैंने अभी आपके लिए छोड़ दिया है कि आप अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में आप अभी आप बनाएंगे तो उसमें यू आर एल एड जरूर कीजिएगा उसी सेम तरीके से आप यहाँ पे इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं अगर कोई एडिशनल इमेज आप दिखाना चाह रहे हैं जैसे कि मैं मैंने भी एग्जाम्पल दिया था कि हम प्लैनेट्स के बारे में बता रहे हैं बच्चों को छोटी क्लासेस में हम सोलर सिस्टम बताते हैं या वॉल कैनोज पढ़ाते हैं या हम जो सीजन पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई एडिशनल इमेज में अपने कॉन्सर्ट मैप में जो है वो ऐड कर दूँ तो जब मैंने एड इमेज का ऑप्शन पे क्लिक करा तो ये एक आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आ गया और ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ से इमेज इसको उठानी है तो जहाँ भी मेरी इमेज सेव्ड है मैं उस लोकेशन पे जाऊंगी और वहां से इमेज क्लिक करूंगी और ओपन कर, जब हम करेंगे तो इमेज यहाँ पे अटैच हो जाएगी तो ये मैंने प्रोसेस आपको बता दिया आप इमेज जरूर अटैच कर करिएगा इसमें इसी तरीके से आप आ, नोट्स भी ऐड कर सकते हैं ऐड नोट्स आपने करा तो यहाँ पे देखिए सब टॉपिक आपका नोट का टाइटल आ गया कि जो जिस भी टाइटल में आप ऐड करना चाह रहे हैं और नोट्स मैंने यहाँ पे सपोज निशान है जैसे ही मेरा कर्सर आएगा तो यह जो एडिशनल नोट्स मैंने यहाँ पे टाइप करे थे वो बच्चे को दिख जाएंगे हाँ जी अभी हम देखते हैं जो आपने माइंड मैप दिया है ठीक है तो ये इसमें आप बहुत इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट मैप जो है वो बच्चों के लिए बना सकते हैं अब आ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी कॉन्सेप्ट मैप जो शेयर किया गया है यहाँ पे चैट बॉक्स में हिमांशु जी ने किया है मैं लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना स्क्रीन शेयर करके हमें दिखाएं कि आपने क्या ड्रॉ करा है कॉन्सेप्ट मैप या आपने ई ड्रॉ माइंड अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो ई ड्रॉ माइंड जो है आप मेरे साथ शेयर करिए हाँ टेम्पलेट टेम्पलेट आपको बहुत नेट पे बहुत सारी मिल जाएंगी ऐसा मैंने कोई टेम्पलेट बना के नहीं रखी और इसमें इनबिल्ट टेम्पलेट्स नहीं है जैसे कि आपको हमने कैनवा में बताया था और ईड्रो e माइंड में भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं तो ऐसे कैनवा में सॉरी व्यू में जो है इनबिल्ट बिल्ड नहीं है ये आपको बनाने पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट मैप बनाने का अच्छा तरीका ये है कि पहले आप को ये पता होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है तो एक आप पेपर पे एक आइडिया ले लीजिए मतलब अपनी कॉपी पे एक आइडिया ले लीजिए कि आप किन किन टॉपिक को क्या आपका मेन टॉपिक होगा और उसके क्या क्या सब टॉपिक होंगे और उस उस जो अपने पेपर पे जो जॉट डाउन करा है उसको आप इस व्यू में कॉन्सर्प्ट मैपिंग में फिर आप, आप आराम से ड्रॉ कर पाएंगे तो यानी कि पहले हमें ये क्लियर होना है कि हमें क्या टॉपिक लेना क्योंकि जब भी हम टॉपिक को ब्रेक करते हैं सबसे मुश्किल काम यही होता है कि हम इसको ब्रेक डाउन कैसे करें तो ब्रेक डाउन करने के लिए थोड़ा सा तो हमको थॉटफुल होना पड़ेगा और वो सब चीजें हमें कॉपी में लिखनी पड़ेंगी उसके बाद जो है हम अपना कॉन्सेप्ट मैम जो है इन सारी एप्लीकेशन की हेल्प से हम बना सकते हैं तो अगर अभी आपका कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं मैंने अनशेयर कर दिया है मैम हाँ मैं, मैं ना इसको वर्क कर रही हूँ और मैं देख पा रही हूँ इमेज इंसर्ट कर रही हूं, तो वो, आ, इमेज का जो साइज है ना वो वही साइज ले रहा है छोटा है? बड़ा नहीं कर रहा मोर ओवर अगर मैंने कुछ और कर दिया है मान लो मैं एक दो मैप्स मैंने एक ही उसमें प्लेट पे बना दिए हैं तो मैं है? एक मैप को डिलीट करना चाह रही हूँ तो वो एक पर्टिकुलर मैप को सिलेक्ट नहीं कर पा रही मैं अच्छा आप एक बार वो स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे तो थोड़ा हाँ, अच्छा और समझ में आ जाएगा जी मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ मीन वाइल मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इड्रो माइंड एक बार आप ज़रूर एक्सप्लोर करें और शेयर कर लें मेरे साथ हेलो मैम जी जी हाँ मैम मैं अभी बस आपसे बात करती हूँ पहले हम ये मैम का देख लेते हैं मैम जो इनका इशू है तो कर देगा फिर कोई नहीं पिछा। हाँ हिमांशु मैम आप कुछ हिमांशु हाँ, जी आप पूछ रहे थे कुछ Hi man, Hello ma'am, uh, it's hi man, hi man, here from Haryana. Yes ma'am. Ma'am, I, actually I have done that basic mind map on MindMove ma'am. Because right mind... now I am not having my laptop, so e draw uh -huh. mind, I will try at my place. Acha, okay, okay. So on which application? now I am right now on, now I'm using the uh, mobile app ma'am. Uh, which mobile app ma'am? MindMove ma'am. MindMove mind is very easy to use, Yes, yes. Ah, It's okay. very easy to ah, in भी सारी इंस्ट्रक्शन दिए गए e में और उसकी अच्छा यही है, कि बहुत है और बहुत ज्यादा कॉम्प्रेहेंसिव और कलरफुल मैप आप उसमें जो है बना सकते हैं जैसे इसमें व्यू में मैंने कलर एड किया था उसमें बाई डिफॉल्ट कल आते हैं लेकिन उन कलर्स को आप एडिट कर सकते हैं okay.

कौन सा वाला है मैम मैप जो आपने माइंड मैप का बताया था ना मैंने अभी आपको बताया विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट और एक मैंने बताया आपको ड्रॉ माइंड मैम ईड्रो माइंड वंडर शेयर का वंडर शेयर का ई ड्रॉ माइंड जी ओके okay. मैम इसमें ना मतलब बहुत ही ज्यादा बने हुए हैं ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेटिव है तो आपको उनका कंटेंट हटा के फिर अपना अपना कंटेंट डालना एडिट एडिट कर सकते हैं जी, एडिट जी करना होगा बट जो आपने यूवीई बताया है इसमें ऑप्शंस हैं कि आप अपने मतलब लिंक के थ्रू या आप अपना कंटेंट जो आपने टॉपिक दिया उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो कि बच्चे टॉपिक पर क्लिक करेंगे और पूरा कंटेंट उनके सामने साइड में आ जाएगा जी जी जी

यस yes, मैम हाँ, जो भी उसमें, न, उसमें मेरे सिस्टम में होना चाहिए जितना मुझे समझ आया है कि आपके पास कंटेंट आपके सिस्टम में होना चाहिए डाउनलोड में होना चाहिए डॉक्यूमेंट में होना चाहिए तो आप वहां पर कर पाएंगे जैसे गूगल डॉक्स में जी हाँ जी जी मैम गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड्स जो भी आई ये ऑप्शन देता है कि आप सीधा ना नेट से ब्राउज कर लो जी आपको कुछ भी चाहिए इमेज है आप सीधा वहां से ब्राउज कर लीजिए तो थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट होता है जी देखिए इसमें ये जो होता है हम जी, उसमें क्या कर है? yes, रहे हैं yes, तो इसमें, में जो है, उसमें आप कोशिश कीजिए ज्यादा नोट्स ना लिखें आप जी, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखें क्योंकि नोट्स तो किताब में दिए गए हैं किताब का या तो आप पेज रेफर कर सकते हैं या तो उसमें आपको रेफरेंस डाल सकते हैं या कोई किताब कोई और डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हैं कि बच्चे रेफर करें उस डॉक्यूमेंट का आप लिंक अपने सब टॉपिक डाल सकते हैं लिंक लिंक शेयर, शेयर कर सकते हैं और या फिर आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं एड नोट की हेल्प से और मैम ये दोनों ही जो है ये मोबाइल के लिए नहीं है डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए ई ड्रॉ की तो मोबाइल एप्लीकेशन शायद है और व्यू की मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है

नहीं राइट्स मिल गए कर रही है ना तो फिर कोई और नहीं कर पाएगा आपने अगर ये में बनाया है आप ये यूज कर रहे हैं तो आप ऐसा करिए जैसे चैट बॉक्स में इमेज डाल दिए या तो चैट बॉक्स में या बेहतर होगा की आप चैट बॉक्स में भी डाल दिए और उसमें भी डाल दिए ग्रुप हम्म अब व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे तो वो हम बाद में भी देख सकते हैं चैट तो अभी ये होता है कि थोड़े टाइम में भारे जा भी, भी सकती है हेलो मैम जी सर मैम मैंने चैट में डाला है व्यू को यूज किया है एक बार आप देखेंगे मैम फैमिली ट्री बनाया है कोशिश की है मैंने हाँ हाँ आपने डाला तो है लेकिन व्यू को तो हम स्क्रीन शेयर से भी कर सकते हैं तो मैं एक्चुअली एक फोन से चला रहा हूँ जो अपनी मीटिंग है वो जूम और लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ जी अच्छा हाँ जी क्योंकि लैपटॉप से वॉइस वा नहीं क्लियर आ रही है तो फोन के बैक कैमरा से आप दिखा सकते हैं या मैम श्योर हाँ साइमा मैम आपको शायद ये ड्रॉ

मैम मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर आ रही है ये मैंने ऐसा बनाया है जैसे कि अब और कोई भी बना रहा है शायद हाँ तो दिख रही है शरद जो कि एक नाम हाँ। है दिख और दिख उसका आखिरी वर्ड होता है द से अगले दो शब्द बनाए दबंग और द और उसके अगले जो ग है ग से शुरुआत जो वही गज है तो से आगे तलवार और तय होता है तो इसका बहुत बड़ा माइंड मैप बना सकते हैं, मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए जैसे कि मराठी हिंदी जो गुड आफ्टरनून बनाड वन सेन सेकंड मैम सर का बेसिक माइंड मैप तो आपने बना ही लिया है

ये व्यू और ए ड्रा आपका म्यूट हो गए है या आपकी वॉइस रुक गई है हाँ मैडम जितने सारे ऐप आप आपने अभी बताए हैं क्या उसका हैंड्स ऑन बाद में होगा या हम करके भेजेंगे या व्हाट व्हाट इज द प्रोसेस हाँ आप करके भेज दीजिएगा अभी तो हमारा वैसे एक बजे तक का टाइम था आप बनाइए हाँ, बनाइए हाँ, आप हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिए और जैसे कि आलोक जी ने बताया था कि

मैम मैंने पार्ट्स ऑफ प्लांट पे बनाया था मैं आपको वीडियो कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ तो, पे पे हाँ, तो ये था इसके आगे चाहे तो हम यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं ब्रांचेस कॉन्सेप्ट लेके एक्सटेंड कर सकते हैं वर्ड्स को लेके अगर पढ़ाना है तो इसको लेके आगे एक्सटेंड कर सकते हैं उस तरीके से मैंने बताया जैसे होता है अब आप इसमें ये कीजिएगा जैसे जो सिमिलर सब कॉन्सेप्ट सेम कलर में कर दीजिएगा ताकि आइडेंटिफिकेशन बच्चों के लिए आसान हो जाए और अगर नीड लगती है तो जो लिंकिंग लाइंस है उसमें कनेक्टिंग डाल कनेक्टिंग वर्ड वर्ड डाल दीजिएगा क्योंकि व्यू में आता ही है और जैसे तो आपका रिक्वायरमेंट है इसको और इम्प्रेसिव बना लो अच्छा है ठीक है मैडम ये जो आपने जो वी यू में जो बनाया हुआ है जी। In that, अगर हमने कोई शेप को चेंज करना है, है तो उसको कहां से चे, चे, कैसे करेंगे? उसके लिए मैम आप आप का एक ना में, बार में Windows पे कीजिए और सबसे पहला आएगा आ, तो मैं आपको बताती हूँ हाँ जी हाँ। मैम बिकॉज आ गया विंडोज में फॉर्मेटिंग तो पैलेट पहला ऑप्शन है विंडोज में फॉर्मेटिंग पैलेट फॉर्मेटिंग पैलेट आप क्लिक करेंगी तो पूरी फॉर्मेट की, की okay. okay. आप, आप, होगा ना तो आप विंडोज पे क्लिक कीजिए जी विंडोज पे क्लिक कीजिए उसपे फॉर्मेटिंग पैलेट उसके नीचे पहला ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्मेटिंग पैलेट आ जाएगा जिसमें आप शेप्स चेंज कर सकते हैं कलर बदल सकते हैं फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल सब कुछ कर सकते हैं हेलो जी आ, फिर है हीना मैम मैम जी कौन बोल रहा है मैं हरियाणा से अनु हाँ मैम मैंने कैनवा में बनाया है क्योंकि वो भी डाउनलोड होने में टाइम लग गया था आप एक बार देख लेना कैनवा में बनाया मैंने मुझे आप ग्रुप में डालिएगा आप जो WhatsApp ग्रुप है ना तो उसपे तो हम देख ही सकते हैं आ, क्योंकि चैट में ना ये बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा है ठीक है इसको अच्छे से हम नहीं देख पा रहे ग्रुप में आप डाल दीजिएगा तो जो चार पांच एप्लीकेशन हमने अभी डिस्कस करी थी वो सभी आप ट्राई कीजिएगा प्लीज और ही ना मैम का हैंड रेज है जगजीत जी का भी हैंड रेज है कर आपने गुड क्या आ? बना दिखाइए दिखाई है वो तो आ ही नहीं रही है प्रॉब्लम भी हो रही है कौन सी अलग है ई ड्रॉ जब मैं भी शेयर कर रही थी जो मेन होम स्क्रीन है वो आप लोग को दिख नहीं पा रही थी ना ब्लैंक स्क्रीन एक आ रहा था और ना वो एप्लीकेशन बहुत अच्छी है या मैंने उसमें किया मैम ड्रॉ तो वो मेरी आ, आ रही है मैम अगर नहीं आ रही है हाँ इसमें शायद कुछ इशू है मुझे नहीं पता है तो जूम के कुछ रेस्ट्रिक्शन है या इसके रेस्ट्रिक्शन है नहीं मैम एक्चुअली मैं आ, मैंने ऑप्शन ही कोई और मुझे लगता है शेयरिंग में कर दिया आई गो ठीक है अगर होता है तो ठीक है अदरवाइज आप इसका एक फोटो लेके

मैम एक बस आप रिपीट कर देंगे कंट्रोल कर जेड करेंगे और अंडू हो जाएगा जी जी बताइए फाइव जो आपने एप्लीकेशन बोली हैं वो रिपीट कर देंगे वो ये पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी मैम अभी सेशन के बाद ही पीपीटी ग्रुप में आ जाएगी हाँ, हाँ। मैम व्यू में बहुत बड़े बहुत सारे ऑप्शन है और सेव सेव करने के जीपीजी भी सेव कर सकते हैं और हाँ। बहुत सारे चार पांच ऑप्शन है सेव जी करने। जी 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 मैंने वहां तक इतना डिटेल में नहीं थी, लेकिन उसमें सेव जब आप करेंगे तो अलग अलग फॉर्मेट्स में आप शेयर कर सेव कर सकते हैं मैम जी हाँ। सेव, सेव करेंगे तो अलग फॉर्मेट आ हाँ जी 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 क्योंकि वो सेव का तो नॉर्मल ही वो प्रोसेस था इसलिए मैंने वो सेव तक नहीं गई थी लेकिन इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स में आप सेव कर सकते हैं Uh, हीना मैम है और आ, uh, uh, मुफ्ती मैम है जी जी बताइए मैम आप मुझे बताएं जो ये व्यू uh, का जो आपने दिखाया एक, एक क्लिकेबल जो लिंक मैंने इसमें ऐड की लेकिन वो क्लिकेबल नहीं बन रही है मतलब क्लिक हो रही है बट उसके बाद वो वीडियो पे नहीं जा रही अच्छा आपने वेबसाइट से उठाया वो लिंक मतलब जिस वेबसाइट का आप दिखाना चाह रहे तो वो तो क्लिकेबल होनी चाहिए हाँ जी मैम इशू है मतलब आप

एड करना चाह रहे हैं वहां उस नोट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो ऐड इमेज का ऑप्शन आएगा